से शुरू करना चाहता हूं। शुएब जी, 5000 रुपए का इनाम रखा गया, जब हार गए तो ये अंत में करना पड़ा कि आपके ऊपर इनाम रखा गया उन जमातियों पे जो खास तौर से छुपे हुए हैं। शुएब जमई साहब, देखिए प्रतीक जी, मैं समझता हूँ कि इसकी नौबत नहीं आती अगर हम सब अपनी जिम्मेदारी से काम लेते, हमारे पत्रकार भी जिम्मेदारी निभाते और बाकी लोग भी जिम्मेदारी निभाते। हमें ये नैरेटिव सेट करना चाहिए था कि भाई ठीक है, लापरवाही हुई है, वहाँ मरकज में संक्रमण हो गया है, किसी को पता तो नहीं चलता है, टेस्टिंग के बाद सबको पता चला है, बाकी जो लोग वहाँ थे तो अब आप अपने अपने जो घर चले गए हैं, जो निजामुद्दीन से या मरकज से जो चले गए हैं घर, भाई आप कोई अपराधी नहीं है, कोई कोरोना बम या कोई मानव बम नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, खुद आइए जांच कराइए, ये आपकी जान की परवाह कर रहे हैं और खुद अपने जान की और परिवार की जो है हिफाजत कीजिए। अगर हम ये नैरेटिव सेट करते तो किसी किस्म का डर का और भय का माहौल नहीं बनता। अब गांव के देहात के लोग डरते हैं कि भाई अगर हम सामने आए पुलिस डंडा भी मारेगी और पड़ता जी। शुएब भाई, मैं आपकी इस बात से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर नैरेटिव सेट करने की बात आएगी, मैंने आज अपना प्रोग्राम ही इसी बात पर शुरू किया कि बड़े आदमी कोई काम करें तो वो बच जाएं इस मुल्क में पैसे की वजह से, और कोरोना के जब संकट है तो आप छुट्टी मनाने चले जाएं, और अगर कोई जमाती है तो उसके ऊपर आप खड़े हो जाएं डंडा लेके। मैंने यहां से अपनी बात शुरू करी है और ये इस बात के गवाह हैं डॉक्टर संबित पात्रा और राजीव त्यागी, दोनों को मैंने यहीं से संबोधित किया। लेकिन मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जो 40 लोगों को पकड़ा उसके बाद जमानत दी, उसमें यह शर्त रखी गई है कि अगर इसमें से कोई भी शख्स महामारी का अगर उसमें पाया गया, लक्षण पाया गया, तो उसमें महामारी एक्ट की तरफ केस दर्ज होगा। तो ये कहना कि अपराध नहीं है, ये अपराध कहना ये गलत है, ये अपराध है। इस समय कहा भी जाए उसके बाद भी आप जमा हो नमाज के लिए, ये गलत है भाई। देखिए घर पे कहा गया तमाम आयते हैं, उसका उल्लेख है, बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद भी अगर ये करें तो ये तो गलत है। शुएब साहब, नहीं प्रतीक त्रिवेदी जी, आप सही कह रहे हैं भाई। मैं तो कह रहा हूं कि जो कानून का उल्लंघन कर रहा हो, जो कानून तोड़ रहा हो, आप जरूर उस पर कार्रवाई कीजिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो रामनवमी में जमा होते हो, चाहे वो जो है रथ यात्रा में शामिल होते हो, या मुरैना में जो है 1500 लोगों का भोज का कार्यक्रम करते हैं और 3000 के लोग ज्यादा क्वारंटाइन करने की नौबत आ जाती है, सबको होना चाहिए। मैं कहता हूँ कानून का काम, लेकिन सवाल ये है, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ सर, रुक जाइए मेरी बात, राजीव जी मैं दे रहा हूँ, बहुत टाइम सर, टाइम है राजीव त्यागी जी, मैं आपके आपके सवालों को भी जवाब दूंगा। देखिए मैं नैरेटिव की बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि नैरेटिव अगर आप सेट करते हैं कि सिर्फ एक ही एक देश का बहुत बड़ा मुद्दा है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मैंने कभी इनकार नहीं किया कि यहाँ से कि लापरवाही नहीं हुई, यकीनन लापरवाही हुई है, और उसका जो है वो खुद लोग, उनके परिवार जो बीमार हुए, जिनको कोरोना हुआ, उनको भी भुगतना पड़ रहा है और आसपास के लोग भी यहाँ से परेशान है, ये तो हुआ है। लेकिन हम अगर उसको जो है एक डर का माहौल बनाएंगे, भय का माहौल बनाएंगे, तो फिर ये देश में एक बहुत बड़े, और जब 80% से ज्यादा खबरें फेक साबित होती हैं और चैनल को माफी मांगना पड़ता है, और जब आप प्राइम टाइम डिबेट करके उसका नैरेटिव सेट कर देते हैं, उसके बाद रात के 10 बजे आप फैक्ट चेक करके उसको कहते हैं कि गलत है, तो ये कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और कानून से बढ़कर कोई पत्रकार को चैनल नहीं होता, उनको भी कानून का राजीव जी आ रहा हूँ, समित पात्रा के बाद राजीव जी, कानून का सामना, बिल्कुल बिल्कुल शुएब सवाल सही है, शुएब आपका सवाल लिया मैंने, समित पात्रा, धन राजीव, डॉक्टर डॉक्टर समित पात्रा।